हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पिक्सेलेट फ़ोटो को सही कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप लो फोटो को हाई रेजोल्यूशन में कैसे कर सकते हैं दोस्तों, बिना उसकी क्वालिटी डाउन किए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में आ रहे बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। आप कोई सा भी यहाँ पर यूज कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक फ़ोटो को यहाँ पर ओपन किया है। तो दोस्तों मैं इसको आपको पहले जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये पिक्सलेट होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको जूम कर लिया है, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये जूम करने पर दोस्तों यहाँ पर ये पिक्सलेट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर अच्छे से क्लियरली यहाँ पर फोटो दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये पिक्सलेट हो रहा है दोस्तों जूम करने पर। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसी को सही करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इस फोटो को हमें डुप्लीकेट करना है। तो लेयर ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अभी लेयर 0 के नाम से एक लेयर है दोस्तों। तो हमें इसका डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लेयर 0 कॉपी, इसके नाम से एक और लेयर आ जाएगी। तो दोस्तों हमें इस पर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इमेज पे जाना है दोस्तों। इमेज पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज साइज़ पे क्लिक कर देना है। इमेज साइज़ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो विथ और हाइट दी होगी दोस्तों वो इस फोटो की दी होगी दोस्तों। इसका ओरिजिनल साइज़ दोस्तों ये है दोस्तों, विथ और हाइट ये जो दे रखा है आपके सामने ये है दोस्तों इसका ओरिजिनल विथ और हाइट। तो हमें दोस्तों इसको हाई रेजोल्यूशन में करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेजोल्यूशन को हम 300 कर देंगे दोस्तों। 300 करने के बाद में दोस्तों इसकी जो विथ है वो हमें कर देना है दोस्तों 5000। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है दोस्तों, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन खुलेंगे दोस्तों आपके सामने। तो इनमें से दोस्तों आपको एक यूज करना है दोस्तों, बी क्यूब ऑटोमेटिक, इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी फ़ोटो है जो रेडी होकर तैयार हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने इसको जूम आउट कर दिया। अब हम इसे जूम करेंगे दोस्तों। तो जूम करने पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पिक्सलेट होता है या नहीं होता है, देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसको जूम कर दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये पिक्सलेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पिक्सलेट नहीं हो रहा है, इसको हमने हाई रेजोल्यूशन में कर दिया दोस्तों। अब इसका आप प्रिंटआउट अच्छे से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आप पिक्सलेट फ़ोटो को आसानी से सही कर सकते हैं दोस्तों, और लो क्वालिटी की फ़ोटो को हाई रेजोल्यूशन में भी कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई टिप्स नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।